हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, दो फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करना है, रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हमें करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमें क्या दिया है, 7/24 माइनस 17/36। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब दो रैशनल नंबर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना होता है तो उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले सेम करेंगे, तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे, राइट। 24 और 36 है, 24 और 36 अपन हम लोग देखते हैं 12 से अगर ये हो जाता है, क्योंकि 12 के टेबल में दोनों भी आते हैं। तो 12 2 24 और 12 3 36, राइट। अब हम अगेन करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा हो जाएगा, 3 एज इट इज़ अगेन 3 ज़ा होगा और ये 1। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज़ 12 × 2 × 3, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 3 ज़ा हम करेंगे, मतलब 36 3 ज़ा आएगा, 6 3 ज़ा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 108 जो है इनका एलसीएम होगा। तो अब हम एलसीएम मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, 108 नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली सॉरी मेरी गड़बड़ हो गई है, 12 2 ज़ा 24 होगा एंड 24 को अगर हम 3 से करेंगे तो ये आएगा 72। 72 हमारा एलसीएम होगा यहाँ पर, जो कि हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज़ 72। और अब हमें सिंपली हमने जैसे एडिशन में किया था वही यहाँ पे करना है। 24 को 72 आने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि 22 3 ज़ा 72 होता है, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन एज इट इज़ रहेगी, सब्सट्रैक्शन। अब नेक्स्ट है 36, 36 2 ज़ा 72 होता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। 7 3 ज़ा 21 माइनस 17 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 3 2 1 ज़ा 2 + 1 3 अपॉन 72, राइट। अब इनमें क्या होगा, एक एडिशन एक सब्सट्रैक्शन है, मतलब सब्सट्रैक्शन होगी और साइन बड़े नंबर की आएगी, राइट। तो 34 माइनस 21 करेंगे, 4 - 1 3, 3 - 2 1, 13/72 और साइन आएगी माइनस की, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या आएगा, -13/72। तो ये हमारा आंसर होगा सब्सट्रैक्शन करके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हमें दिया है 5/63 माइनस -6/21। यहाँ भी हमें क्या करना है, एलसीएम कॉमन करना है। मैंने पहले जो आपको बताया था एक बार कि जो बड़ा नंबर होता है उसे हमें देखना है, 63 21 के टेबल में आता होगा क्या, यस आता है, कितने बार, 3 बार। तो ये मतलब क्या हो गया, 63 हमारा एलसीएम हो सकता है। आप चाहें तो एलसीएम की मेथड से करके देख सकते हैं, 63 और 21 है। अगर मैं डायरेक्टली 21 से करूँ तो 21 3 ज़ा 63 होता है, 21 1 ज़ा 21 होता है, राइट। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और 21 × 3 कितना होता है, 63। तो 63 हमारा एलसीएम आ गया। अब बस हमें एलसीएम लिखना है हमारा, 63 हमने नीचे लिखा है, 63 वन ज़ा ही है 63, तो 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब हम करेंगे 21, 21 को हम 63 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर 6 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5 प्लस 6 3 ज़ा 18 अपॉन 63। प्लस हमने यहाँ क्यों किया, क्योंकि ये दो साइन प्लस माइनस माइनस प्लस हो गई इसलिए, और 18 + 5 कितना होगा, 23/63। तो 23/63 जो है हमारा आंसर होगा।